जनवरी सन 67 का पहले क्लास रिकॉर्ड चला है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? ओम शांति। सवेरे कितने बजे होते हैं? तीन बजे। 3 बजे सवेरा होता है? सत्यगुरु की सवेरा होता है। लेकिन पूछा है कितने बजे सवेरा होता है? सवेरे अर्थात कितने बजे आते हैं? कोई निकाल 3 बजे, कोई ने कहा कितने? कहा था 3 बजे। 3 बजे हाँ। कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा तो एक्यूरेट पूछते हैं, इस तरह की बातें बता दी। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं कितने बजे आते हैं, सवेरे कितने बजे होता है? 12 बजे को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते, तुम नहीं कह सकते। क्या कौन नहीं कह सकते? तुम सवेरा नहीं कह सकते। फिर कौन कह सकता है? विदेशी कह सकते हैं। तुम सवेरा नहीं कह सकते, यह सवेरा कह सकते हैं। यह हमारा कौन? ब्रह्म बाबा कह सकते हैं कि रात के 12 बजे सवेरा होता है। क्यों? कृष्ण और प्राइवेसी की राशि नहीं मिलाई जाती है? कृष्ण और कहेंसी की राशि मिलाई जाती है ना? क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि कृष्ण की जोर बीज रूप स्टेज को धारण करती है। जब राम बाप अर्थात प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं, उससे पहले तो बीज रूप स्टेज नहीं धारण करती। बीज रूप स्टेज पूरी धारण करती है या बीच बीच में सूक्ष्म शरीर भी लेना पड़ता है?
जब प्रजापिता के 100 साल पूरे होते हैं कब 76 में, तो 76 में कृष्ण की सोल बीज रूप स्टेज धारण करती है, संपूर्ण नहीं, कभी कभी सूक्ष्म शरीर में गुलजारदास जी के प्रवेश शरीर में प्रवेश करके भी पार्ट बजाती है। तो कृष्ण की आत्मा की संपूर्णता की शुरुआत कब से कही जाए, ठीक है, क्योंकि बाप पहले बच्चों को आगे रखेगा या खुद आगे हो जाएगा, तो पहला बच्चा कौन, कृष्ण बच्चा, तो राम बाप माना प्रजापिता ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हुई माना उसका नया जन्म शुरू हुआ, क्योंकि ब्रह्मा 100 साल की अवस्था में खड़ा हो जाता है, 100 साल पूरे हुए ब्रह्मा का मृत्यु लोक जैसे पूरा हुआ। अब कृष्ण की सोल को आधार मिल जाता है संग के रंग का, तो वो भी बीज रूप स्टेज पकड़ने लग पड़ती है। तो उस समय कितने बनते हैं ब्राह्मणों की संग में दुनिया में, 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है, 12 बजते हैं या सवेरा हो जाता है, 12 बजते हैं, लेकिन विदेशियों में सवेरा कितने बजे से माना जाता है, 12 बजे के बाद। घड़ी की शुरुआत हो जाती है 1 AM, 2 AM, तो किस ने ये बात कहां से उठाई, किसको फॉलो किया, कृष्ण की सोल को फॉलो किया, उसकी भी आत्मा में सवेरे की शुरुआत वहां से होती है, लेकिन तुम, ये तो उनकी बात हुई इनकी बात हुई, लेकिन तुम रात के 12 बजे को सवेरा नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते, 12:01 हुआ अथवा 1 मिनट हुआ तो एम अथवा सवेरा शुरू हुआ किसका है, कृष्ण की सोल के लिए सवेरा शुरू हुआ, शुरू हुआ या सवेरा हुआ, शुरू हुआ माना परसेंटेज में ये कहेंगे कि सूर्य जो पूरा डूब चुका था वो डूबने से अब थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ, माने किस के लिए घोर अंधियारी रात जो है वो पूरी हुई, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत की घोषणा कौन से वक्त के लिए की गई थी, संक्षेत्र के लिए मूल्य में की गई, चित्रों में भी छपा दिया गया, तो उसका राज ये था। बाकी ऐसे नहीं है
कि 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति की दुनिया में कोई सवेरा शुरू हो गया या रात्रि समाप्त हो गई या ज्ञान रात्रि खत्म हो गई या नई दुनिया की शुरुआत हो गई, वो सिर्फ किसके लिए कहेंगे? हैं? कष्ट की सोल के लिए कहेंगे? वो ज्ञान चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी की लीक आ गई, मस्तक शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा दिखाया जाता है वो लिंक वाला चंद्रमा दिखाया जाता है या संपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा दिखाते हैं? लिंक आदि। तो 12:01 हुआ तो कहेंगे सवेरा, बिल्कुल सवेरे है ना। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। किनका? सवेरे में आने का पार्ट इनका बिल्कुल एक्यूरेट है। इनका माने किनका? इसका नहीं, इनका। किनका? किनका? राम और कृष्ण का। सेकंड की विजय नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनाज बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो एम नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है ना, हद के सवेरे की बात नहीं है, वो तो रोज होता रहता है। और ये सवेरा बेहद का सवेरा है, माने बेहद नाटक ड्रामा की जो घड़ी है 5000 वर्ष की घड़ी, उसमें ये बेहद का सवेरा है। बाप कहते मैं आता ही हूँ सवेरे सवेरे, क्या गीत था? कौन आया सवेरे सवेरे? विलायत वालों का एमपी एम ये एक्यूरेट चलता है। किसका? भारतीयों का नहीं, विलायत वालों का एम एक्यूरेट। एक सेकंड हुआ और एम शुरू हुआ और रात्रि के 12 बजने में एक सेकंड भी कम है तो क्या कहेंगे? पीएम। हिंदुस्तानियों की कोई भी बात एक्यूरेट नहीं होती है, कोई भी काम करेंगे तो एक्यूरेट टाइम पर शुरू नहीं करेंगे और विदेशी टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं। ये बात काम से उठाई है, ये बात भी संगम युग से उठाई गई है। कृष्ण और क्रांति की जो राशि मिलाई जाती है वो यहां की बात है। तो हिंदुस्तानियों की कोई बात एक्यूरेट नहीं होती है, उनकी बुद्धि इन हिंदुस्तानियों से आती है। वो न इतना तत्व प्रधान बनते हैं। कौन?
विजेती और न इतना तमो प्रधान बनते। और सीढ़ी की चित्र में कृष्ण की सोल भी सीढ़ी के आज में कृष्ण की सोल भी दिखाई गई है ना, लक्ष्मी नगर में भी दिखाए गए हैं। सीढ़ी के चित्र के अंदर और लास्ट में कृष्ण की सोल अंतिम जन्म में खड़ी हुई दिखाई गई है या राम की तरह पड़ी हुई दिखाई गई, इसका क्या मतलब हुआ? सीढ़ी के चित्र में स्वर्णिम संगमयुग जो ऊपर दिखाया गया है उसमें राम और राम के चार भाई और उनकी सहयोगी शक्तियां दिखाई गई है, तो वो इससे ज्यादा तत्व प्रधान है या सतयुग की सीढ़ियों के अंदर खड़ा हुआ कृष्ण वो ज्यादा तत्व प्रधान है? ज्यादा तत्व प्रधान कौन है? सीढ़ियों के आग में जो राम के साथ भाई खड़े हुए हैं वो ज्यादा सात्विक किसके हैं, जबकि वो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाते हैं, उस स्टेज को संपन्न रूप में पकड़ लेते हैं। तब का गायन है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बाकी पांच चार वर्ष के ड्रामा में कभी भी ये अनुभव एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो वो हुआ सवेरे का टाइम पक्का पक्का। तो बोला कि किस या विलायत वाले इतना तत्व प्रधान और इतना तमो प्रधान नहीं बनते, किसको पार्टी किया? उन्होंने किसको पार्टी किया? कृष्ण को पार्टी किया। कृष्ण की सोल भी सीढ़ी के चित्र में दिखाया है ना ज्यादा तत्व प्रधान। सोलह कला संपूर्ण से ऊंचे स्टेज में जाती है या नीचे गिरना शुरू हो जाती है? नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और चौरासीवें जन्म में इतनी नहीं गिरती जितनी राम की आत्मा नीचे गिरती है, कृष्ण की आत्मा फिर भी पुरुषार्थ में खड़ी हुई दिखाई गई और राम वाली आत्मा एकदम पट में पड़ी हुई। तो ज्यादा तमो प्रधान कौन हुआ? राम वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान ही बनती है और ज्यादा सत्व प्रधान। कृष्ण की सोल ज्यादा सत्व प्रधान भी नहीं बनती और ज्यादा तमो प्रधान भी नहीं बनती। आप इसको टैली करो, कृष्ण को तो क्राइस्ट से टैली कर दिया कि वो क्राइस्ट ऑफ द चेंज है, उनके फॉलोअर्स न ज्यादा सत्व प्रधान बनते हैं और न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। क्राइस्ट से पहले कौन होते हैं? क्रिश्चियन से पहले कौन? कौन सा धर्म? बुद्ध और इस्लाम धर्म। विदेशियों की बात हो रही है, विदेशियों में क्रिश्चियन और अरबियन उनमें ज्यादा तत्व प्रधान कौन बनता है और ज्यादा तमो प्रधान कौन बनता है? अरबियंस द्वापर के शुरुआत में थे
तो ज्यादा तत्व प्रधान भी थे और अभी अभी तत्व प्रधान भी बहुत बड़े और उनके मुकाबले क्रिश्चियंस 500 साल के बाद आते हैं, इसलिए कम तत्व प्रधान बनते हैं और अभी अंत में कम तत्व प्रधान बने। तो राम और कृष्ण दोनों भारतवासी हैं या विदेशी हैं? क्या कहेंगे? भारतवासी कहेंगे। अच्छा, विजयवाड़ा कहाँ से निकलती है? विजयवाड़ा भारत से आना आरंभ होती है या विदेश से आना आरंभ होती है? इंडिया गेट बना हुआ है ना, इंद्र आ इंद्र आएगा ना, ये दो आशांति ऐसे ही बचती रहेगी। भारत में एक शहर का नाम है जिसका नाम रख दिया है कलह क्लेश पट्टा। तो कलह क्लेश से कट्टा करने वाली, इंद्र करने वाली आती है ना, कहां से आती है? विदेश से आती है या स्वदेश से ही आती है? विदेश से आती है। क्यों? ये कनेक्शन विदेश से क्यों जोड़ दिया गया? राम कृष्ण भारतवासी है या विदेशी है? राम कृष्ण भारतवासी है दोनों है। अच्छा, ऐसे देखो, हिस्ट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली? क्रिश्चियन ने। और महाभारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसने खेली? किसने खेली ना? तो ये राह ही मिलाई गई कृष्ण और क्राइस्ट की, राह ही मिल जाती है। किसने कह दिया? डिमांड किया और भारत पर रूल किया, विलायत वाले उनको फॉलो करते हैं। इसलिए विलायतियों में सूरज की मान्यता ज्यादा है या चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? वो संपूर्ण चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है या अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है? अधूरे चंद्रमा की मान्यता ज्यादा है। क्यों मान्यता इसलिए ज्यादा है कि ब्राह्मण की संगम इस दुनिया में जब बेसिक नॉलेज चलती है तो सूर्यवंशी आत्माएं तो पहले ही अलग हो जाती है। जो पक्के भारतवासी हैं, सूर्य का उदय पूर्व से होता है या पश्चिम में होता है? पूर्व से होता है ना, तो पूर्व में जैसे कौन से हुए? ये सूर्योदय के देश हैं, बंगाल, हाँ बंगाल, जापान, बौद्ध धर्मखंड कह लो,
तो यहाँ से सूर्योदय होता है, जिसकी यादगार जगन्नाथ पुरी दिखाई जाती है। किसका नाम? सारे जगत का नाम। ये नहीं कि पश्चिमी सभ्यता वालों का नाथ या पूर्वी सभ्यता वालों का नाम नाथ, साहूकारों का नाथ या गरीबों का नाथ, नहीं, जगन्नाथ माना सारे जगत का नाथ। और पश्चिम में श्रीनाथ द्वारा बना हुआ है, उनका नाम क्या रख दिया? श्रीनाथ। किसका नाथ? श्रेष्ठ जो देवताएं माने जाते हैं उनका नाथ है। सबका नाथ सारे जगत को सपोर्ट करने वाला नहीं है, इसलिए भारतीय परंपरा में विष्णु को सदैव देवताओं का संरक्षक दिखाया है। वरदान देते हुए सिर्फ देवताओं को दिखाया गया है, विष्णु को, राक्षसों को कभी वरदान देते हुए नहीं। सारी बारी कितनी भी तपस्या करने वाले हो, और जो सारे जगत का पिता है, जगतम पितरम गाया हुआ है, और शंकर जी को है, वो दोनों को वरदान देते हुए दिखाया गया। भस्मा गुरु को भी देव वरदान दे देते, वो ये नहीं देखते जब खुश होते हैं तो ये नहीं देखते कि अनित्य करने वाला है या इत्य करने वाला है। वास्तव में पिता कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। बच्चा चाहे वो पत्ता है और चाहे बच्चा अच्छा है, जिंदगी जीने का अधिकार हर बच्चे को है। हाँ, अगर दुकान अच्छी चलाता है तो उसको दुकान चलाने का काम दिया जाएगा, बाकी ऐसे नहीं है कि वो घर के बच्चे हैं, अगर काम नहीं करते हैं तो उनको खाने पीने का भी अधिकार नहीं है। यज्ञ के आज भी क्या हुआ? ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले सारी विदेशी धर्म की आत्माएं बन गई, सिर्फ सूर्यवंशी आत्माएं अलग हो गई। ज्ञान सूर्य राम अलग हुआ और राम के फॉलोअर्स अलग हो गए, और बाकी जितने भी रहे वो ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में पनते रहे, चाहे इब्रानी हो, चाहे बौद्धियों के आधार हो तो, चाहे क्रिश्चियंस के आधार हो तो, हर धर्म के आधारभूत आत्माओं को कृष्ण की रहबरी अच्छी लगी और राम का जाना अच्छा लगा। क्यों ऐसे? क्यों? राम बाप का जाना अच्छा क्यों लगा? राहुल है और माँ कृष्ण जो चंद्रमा है उसकी रहबरी में अच्छा रहना क्यों लगा? राम बाप का जाना अच्छा क्यों लगा?
बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। बाप जो है वो इंस्टिंक्ट होता है, ला इज ला, और माँ इंस्टिंक्ट नहीं होती। नारायण प्यार भी दे देती ये एक मेरी हुआ, और वो बच्चे माँ की गोदी में पलते रहे। जब तक माँ का स्वरूप रहा तब तक उन्होंने पालना बखूबी ली। जिन बच्चों ने वो पालना ली, जो सारी दुनिया के लिए सराहा लिए है, तो वे वो माता क्या पिता, पहला के नाम किसका, माता का नाम। क्यों? जैसे माता होती है, बच्चा चाहे जैसा दुष्ट क्यों न हो, उस बच्चे को भी अपनी आंखों से गोद नहीं होने देना चाहती, गोद से दूर नहीं करना चाहती। ऐसे उस बेहद की माता ने भी स्वदेशी और इन विदेशी बच्चों के साथ पूरा साथ निभाया। साथ निभाया और पूरा सहन किया। किसका सहन किया, स्वदेशी बच्चों का सहन किया या विदेशी बच्चों का सहन किया? विदेशियों का सहन किया। स्वदेश में तो माता की बहुत मान्यता होती है, मात्र प्रधान देश है इसलिए माता की बहुत मान्यता है, और विदेश में गॉड फादर को मानेंगे, गॉड मदर की कोई मान्यता नहीं है। मदर के रूप में नेचर को कह देते हैं, लेकिन नेचर का जितना पॉल्यूशन विदेशियों ने किया है, इतना पॉल्यूशन भारतवासियों ने नहीं किया। ये भी फाउंडेशन कहां पड़ता है, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो विदेशी आधारभूत आत्मय है, वो मां की जान ले लेती है। जिस मां ने इतना प्यार किया, उस मां के साथ विश्वास प्राप्त करती वो परंपरा विदेशियों में चलती रहती है। जो माता पिता के साथ विश्वासघात करें, जिन्होंने जन्म दिया, वो दुनिया में किसको छोड़ेंगे? सवानी पैदा नहीं होता। जो अपने माँ बाप के बन करके नहीं रह सकते, उनको धोखा दे सकते हैं, वो दुनिया में सबके लिए धोखेबाज है। देहवाणी की इंतहा होती है, अति हो जाती है। यही कारण है कि वो आत्माएं संसार के लिए विनाशकारी साबित होती है। अंतिम एटमिक एनर्जी का निर्माण कौन करते हैं, स्वदेशी या विदेशी? जो देश की आत्माएं हैं, जाड़ के चित्र में दाई ओर दिखाई गई है तो विधर्मी, लेकिन कौन से देश की है?
कहाँ से ओरिजिन होता है उनका? भारत से। वो देश ही तो है, दाई ओर के तो है, लेकिन कमजोर आत्माएं हैं, प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं। जब विदेशियों के आक्रमण होते हैं तो अपना झंडा गिरा देते हैं, बौद्ध सन्यासी और जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे चल पड़ते हैं, उनके आधीन होकर के चल पड़ते हैं। सिर्फ एक सूर्य ऐसा है जिसके लिए गीता में बोला है, मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूं। वो सूर्य संसार के जो भी प्राणी मात्र है, ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के लिए एक जैसा बर्ताव करने वाला है। सब आत्माएं आत्मा आत्मा भाई भाई चीज चेंज में रहने वाली आत्माएं हैं। क्यों? जो दूसरे धर्म की 500 करोड़ आत्माएं हैं वो आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में रहने वाली नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है जो राजयोग सिखाने के लिए परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आते हैं, संपन्न आत्म की स्टेज बनाने के लिए आते हैं। जिस आत्मा की संपन्न स्टेज का लाइन है, सर्वगुण संपन्न, सोरा करा संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, उस राजयोग की संपन्नता को वो विदेशी आत्माएं उतना धारण नहीं कर पाती, माना बाप को पहचान नहीं पाती। और सूर्यवंशी आत्माएं पहचान लेती, तो जो जितनी ज्यादा पहचान में सीखी जाती है, पहचान माना ज्ञान में सीखी जाती है, वो ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। मुझे माने किसे? सुप्रीम सोल बाप को क्यों प्रिय है? क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है और उनको पूरी पहचान है। तो परमात्मा बाप सुप्रीम सोल को ये गुण सबसे अच्छा लगता है। कौन सा गुण? और कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप को पहचानने की जो चित्त सूर्यवंशी आत्माओं में है, वो चित्त दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली या जाने वाली आत्माओं में नहीं होती, दूसरे धर्म की बीजूप आत्माओं में भी नहीं होती और आधारभूत आत्माओं में भी नहीं होती। वो आत्माएं आत्मिक स्टेज की संपन्नता को प्राप्त ही नहीं करती। आत्मा आत्मा भाई भाई इस अनुभव की संपन्नता क्या होती है, उनकी बुद्धि में ये बात पूरी बैठ नहीं सकती। इसलिए वो ज्ञान सागर बाप को पूरा फॉलो नहीं कर पाते। पूरा फॉलो न कर पाने के कारण उनके जन्म भी कम हो जाते। 83 जन्म लेंगे, 82 जन्म लेंगे, कम जन्म लेंगे, लेकिन पूरे 84 जन्म नहीं ले सकते। जो 84 पूरे जन्म नहीं ले सकते,
वो पक्के देवता भी नहीं बन सकते, कच्चे देवताएं बनेंगे, सेमी देवताएं बनेंगे, वो बीज रूप आधारभूत आत्माएं सत्युग में तो आवेंगी, लेकिन बाप की जनरेशन में आवेंगे। जो जीवन का लक्ष्य दिया हुआ है मनुष्य जीवन का, क्या नर से नारायण बनना, वो नर से नारायण बनने का जो लक्ष्य है वो उनके भाग्य में नहीं लिखा होता है। क्यों? उनके भाग्य में ये लक्ष्य क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो नर से प्रिंस जो बनने वाला है उसके बाद आने वाली आत्माएं बनती हैं। नर से जो डायरेक्ट नारायण बनने का पुरुषार्थ की आत्माएं हैं या नारायण जैसी बनने वाली आत्माएं हैं उन तक उनका पुरुषार्थ पहुंचता ही नहीं। और वो आत्माएं जो ब्रह्मा तक पहुंचती है माने चंद्रमा तक पहुंचती है तो उनमें ये संस्कार भरे हुए हैं। कहां तक पहुंचने के? चंद्रमा तक पहुंचने के संस्कार भरे हुए। इसकी डैन में पहला वो व्यक्ति कौन था जो चंद्रमा तक पहुंचा? नील आर्मस्ट्रांग। उसकी भुजाएं कैसी थी? नील आर्मस्ट्रांग माना भुजाएं, नील माना नीली और बड़ी स्ट्रांग थी। वो कहां पहुंच गया? चंद्रमा पर पहुंच गया। स्वदेशी था या विदेशी था? विदेशी था ना। और बाप क्या बन करके आता है? बाप भी विदेशी बनकर के आता है। अगर बाप विदेशी बनकर के ना आए तो विदेशी आत्माएं बाप का संग और साथ संबंध नहीं निभा सकती। भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा राम मानी जाती है भारतीय परंपरा में। कृष्ण की आत्मा को, कृष्ण को सारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जाता। बाप का पाए तो चंद्रमा तक भी पुरुषार्थ अगर पहुंच जाए तो भी चंद्रवंशी कहे जाएंगे। चंद्रमा को भी अगर पूरा पहुंचाने पहचान दें तो क्या कहे जाएंगे? चंद्रवंशी। तो चंद्रमा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। सूर्य तक तो कोई जा ही नहीं सकता। सूर्य 16 कलाओं से ऊपर है और चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं में बांधी जाती है। इसलिए संगम युग में जो पाठ बजाया जाता है सत्युग की आत्माओं को जन्म देने वाला पाठ,
वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊपर की स्टेज है, चौथी कला की स्टेज है। एक बार पूरा करने के बाद फिर कृष्ण का जन्म हो जाता है। कृष्ण का जन्म होने के बाद जैसे ही जन्म होता है वैसे ही कलाओं का उतरना भी शुरू हो जाता है। तो फाउंडेशन सारा यहां पर जाता है। देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं या राक्षस तो ज्यादा पावरफुल होते हैं? क्यों? अनसिविलाइज्ड हैं? राक्षस अनसिविलाइज्ड। अच्छा, तो बुद्धि ज्यादा है। जो विदेशी है वो योग बल के आधार पर आत्मिक स्टेज की संपन्नता को नहीं पाते, और स्वदेशी योग बल के आधार पर आत्मिक स्टेज की संपन्नता को प्राप्त कर लेते। तो जिन्हें आत्मिक स्टेज की संपन्नता नहीं मिली तो कम से कम क्या अपने पास मुट्ठी में रखे? बाहुबल देवान तो मुट्ठी में रखे, उसका तो पूरा उपयोग करें। तो बाहुबल का पूरा उपयोग कर दे। द्वापर युग से जो भी धर्म सिखाए आते हैं उनकी योग बल की रागाई नहीं चलती। कौन से बल की रागाई चलती है? बाहुबल की राजाई चलती है। अच्छा, उनकी तो राजाई चलती है, ये भारतवासी क्यों उनसे प्रभावित हो जाते हैं? हैं? डरते हैं। डरते हैं? बाहुबल से डरते हैं। क्यों? आत्माभिमान क्या बाहुबल जी उनसे डरता है? माने आत्माभिमान ही कमजोर है, जो कायर है वो लोग डरते हैं, जो जिन आत्माओं में आत्मिक बल की कमी है, संपन्न स्टेज को प्राप्त नहीं हुई है, उनका डरना हो सकता है। बाकी जो संपन्न स्टेज वाली आत्माएं हैं वो डरने की बात नहीं। ये बात दूसरी है कि ऐसी युक्ति निकाले जो युक्ति भगवान के पास के लिए उधरी हुई है। जैसे शंकर को भगवान कहा जाता है और भस्मासुर से रक्षा करने के लिए वो भागते थे, तो ये युक्ति अपनाई या कायरता हुई? कायरता हुई। ये युक्ति अपनाई, इसलिए युक्ति अपनाई कि जो कृष्ण की सोल है, जो अव्वल नंबर विष्णु का अवतार मानी जाती है, उसके द्वारा ही उसका पराभव हो जाए। तो कौन सी युक्ति बना? भस्मासुर को भस्म करने के लिए है। जो कृष्ण की सोल है, विष्णु रूप का जो मोहिनी रूप है, स्त्री रूप है, वो निमित्त बन गया भस्मासुर को भस्म करने के लिए। तो युक्ति अपनाना बात दूसरी है। ऐसे महाभारत में कृष्ण को भगवान बताया गया। अरे भगवान थे तो फिर क्यों गांवों गांवों में भागते थे? वृंदावन बरसाना ये गांव थे या शहर थे? गांव थे। उनका बचपन जो है वो मथुरा में क्यों नहीं दिखाया गया? मथुरा में तो जन्म लिया और बाप बड़े हुए। अरे भगवान थे तो उनको डरने की क्या बात?
डरने की बात नहीं है, युक्ति अपनाने की बात। ऐसे राम को भगवान कहा गया, राम भगवान के तो लंका में जाकर के सीधी चढ़ाई क्यों नहीं कर दी, जंगलों में क्यों रहे? युक्ति की बात है। जन सामान्य के लिए ऐसी युक्ति निकाली जाए, न सांप मरे न लाठी टूटे, देश का खून खराबा हो जाए उससे क्या फायदा? तो भगवान की ये युक्ति नुझी हुई है ब्राह्मण में कि स्थापना का कार्य भी कर लेते हैं और आसुरी शक्तियों का पराभव का भी कार्य कर लेते हैं, लेकिन बाहुबल के आधार पर कोई कार्य संपन्न नहीं होने देते। जो बाहुबल को फिर भी अपनाते हैं वो ही असुर कहे जाते हैं। अब उस बाहुबल की शक्तियों में चाहे तांत्रिक प्रक्रियाएं हो, भूतपूर्वित प्रेतों को सिद्ध करने वाली, और चाहे तो बड़े बड़े ऑफिसर्स को बाहुबल से कमाए हुए पैसे के आधार पर मुट्ठी में रखने वाली बात हो, और चाहे तो अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने वाली बात हो। ये कायदे कानून मुखवंशा वाले ब्राह्मणों के लिए है या कुघवंशा वाले ब्राह्मणों के लिए है? ये रावण के कायदे कानून है, राम का कायदा कानून नहीं है। राम और राम के जो भी बच्चे मानवर्ष होंगे सूर्यवंशी, भगवान बाप के रहने के बाद उनकी आंखें खुल जाती है कि ये सारी शक्ति में कर्म प्रधान रचा हुआ है, कर्म की गुह्य गति सिर्फ भगवान आकर के बताता है। कर्मों की गुह्य गति के बारे में मनुष्य आत्मा को कोई पता नहीं होता, कौन से कर्म हुए हैं जिसके आधार पर मनुष्य नीचे गिरता है, और कौन से कर्म हुए हैं जिनके आधार पर मनुष्य ऊंचा होता है, ये पूरा हिसाब किताब बाप आकर के बच्चों को समझा है। अब जो बाप को फॉलो करते हैं वो प्राप्ति करते हैं, बाप को न पहचानने के कारण बाप की जगह दूसरी मनुष्य आत्माओं को फॉलो करने लग पड़ते हैं या मनमत पर चलने लग पड़ते हैं, तो वो पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते। पूरी प्राप्ति का क्या मतलब है? 21 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है या 84 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है? जो बाप आकर के 21 जन्म का वर्षा देते हैं या 21 जन्म के आधार पर 84 जन्म का भी वर्षा मिल जाता है? 21 जन्म का तो पूरा पूरा वर्षा मिलता है, लेकिन 21 जन्म के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है उस पुरुषार्थ की जो गति है, जिस आत्मा ने जैसी स्पीड पकड़ी है और जिस तरह पकड़ी है वो आत्मा में उस तरह के संस्कार समा जाते हैं, संगमित में
मान लो 100% योग वाली कोई गति पकड़ी है तो रिजल्ट क्या होगा? 100% प्राप्ति होगी, इक्कीस जन्म तो 100% प्राप्ति, और बाकी जो 63% है 63 जन्म, उन 63 जन्मों में हर आत्मा, चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, कितनी ही पावरफुल क्यों न हो, राम कृष्ण की ही आत्मा क्यों न हो, कागर की कोठरी में कैसो हूँ सयान हो जाए, एक लीक कागर की लागी है पैदा गए मनुष्य आत्माए आत्माएं तो है। द्वापर कलयुग में वो परमात्मा नहीं बन सकती, राम की ही आत्मा क्यों ना हो, वो पावरफुल तो बनेगी नहीं। इब्राहिम का इस्लाम धर्म आएगा, इस्लाम धर्म की ढेरों की ढेरों आत्माएं उतरेंगी, उनके प्रभाव में नहीं आएगी। उसके बाद भी जो जो धर्म पिताएं आते हैं उनके भी प्रभाव में नहीं आएगी। आखिरी फिर भी तो मनुष्य आत्मा है, टकराने की भी कोई सीमा होती है, टकराते टकराते कहीं तो हवा निकलेगी। माया रूपी रावण किसी को छोड़ता है क्या? ऐसा तो कोई सृष्टि पे अहंकार ही नहीं है जो ये कहे कि हमने माया रूपी रावण से कभी भी हार नहीं खाई। कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ माया, माया के चंबे में सारी दुनिया क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि भगवान बाप की माया बड़ी बेटी है। क्या? बड़ी बेटी। मायावी रूप है, रावण ने भी कैसा रूप धारण किया था सीता को चुराने के लिए, मायावी रूप। भले माया राक्षसी है लेकिन बाप की बेटी है, वो बड़ी की तादाद पर बन गई और इतनी बड़ी बन गई कि जो बाप की पावर है वो पावर धारण करी। कौन सी? समान समान है, सेम सेम। क्या? जितना बाप का शक्ति उतना ही माया की शक्ति। सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां माया में धारण करी। बाप भी सर्वशक्तिमान और माया भी सर्वशक्तिमान, ये कैसे हो गया? माया कैसे सर्वशक्तिमान हो गई? बाप के समान सर्वशक्तिमान है, बाप के पावर में से बच्ची है वो। बच्चा तो राम बाप है, बुद्धि से सरेंडर। हाँ, माया जो है जब सरेंडर होने का असली टाइम आता है और बाप की प्रत्यक्षता होती है तो सबसे पहले माया सरेंडर होती है। कोई तन से सरेंडर हो जाते हैं,
तन की इंद्रियों से सरेंडर हो जाते हैं, तन के संबंधियों से सरेंडर हो जाते हैं, संपत्तियों को भी सरेंडर कर देते हैं इस सूर्य सेवा में, अपने धन से पूरे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से पूरे सरेंडर नहीं होते, अभी भी वैसे ही। अगर हुए होते तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल हो जाता, और सर्वशक्तिवाणी की शक्तियां आत्माओं को प्राप्त हो जाती। एक ही बच्चा और एक ही बच्ची, बच्चे को भी पहले बच्ची से युद्ध करना पड़ेगा, क्यों तो बच्चा भी कुछ बुद्धि जलाने वाला होगा, पूरा सरेंडर नहीं होता। पूरा सरेंडर हो जाए तो जिस बच्चे में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, वो बच्चे की याददार पत्थर का लिंग न बनाया जाए। लिंग कितने प्रकार के बनाते हैं? स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग और लौह लिंग या पत्थर का लिंग। सुप्रीम सोल कितने प्रवेश करता है? रजत में प्रवेश करता है या ताम्रसी लौह लिंग या पत्थर लिंग में प्रवेश करता है? तो सुप्रीम सोल पत्थर की यादगार है या जिसमें प्रवेश करता है वो पत्थर की यादगार? जिसमें प्रवेश करता है वह कोई बात ऐसी है जिसमें पत्थर बुद्धि बन जाता है। पत्थर को गिनती में डाला जाता है। कौन सा पत्थर बनता है? हाँ, पारस पत्थर कोई होता थोड़े ही, वो तो एक नाम दे दिया है, किसी ने देखा हो तो बताए। एक कहावत है कि पारस बुद्धि उसकी यादगार है, माना जो संसर्ग संपर्क में आएगा वो ही परिवर्तन हो जाएगा, उसकी यादगार है पारस पत्थर। कहने में आता होता नहीं है कोई ऐसा, प्रैक्टिकल जीवन में संगम युग में सुप्रीम सोल जिस तन में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ है, जिसकी यादगार में कहा जाता है पारस नाम। ओम शांति।